All right. हमने अब एक काम करना है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे कि ओके एंड सॉरी मैंने बेसिकली क्या प्रोग्राम लिखने को कहा था कि मैंने एक नंबर लेना है, उस नंबर के बारे में बताना है कि वो नंबर फिबोनाची नंबर है या नहीं है. ठीक है. So let's make a V value and then C out a number C in V. और अब हमने इसके बारे में फिगर आउट करना है कि ये नंबर फिबोनाची है या नहीं है. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये काम यहां होना चाहिए? हमें एक फंक्शन बनाना चाहिए, उस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? बूल. और इसका नाम क्या होना चाहिए? इज फिबोनाची. ठीक है. और इसको एक वी वैल्यू पास हुई है और उसके बारे में उसने बताना है कि ये फिबोनाची नंबर है या नहीं. ठीक है. ऑल राइट. द क्वेश्चन इज कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये फंक्शन इज ए ब्लैक बॉक्स. इसको नहीं पता ये कहां से कॉल हो रहा है. ओके. इसको नहीं पता ये कहां से कॉल हो रहा है. तो सिर्फ ये पता है कि ये जब भी कॉल होगा इसको एक वैल्यू पास होगी और इसने क्या करना है, इसने उसके बारे में बताना है कि ये नंबर जो है वो फिबोनाची नंबर है. ठीक है. ऑल राइट. सो कैन यू टेल मी पहले दो फिबोनाची नंबर क्या होते हैं? जीरो होता है और एक वन होता है. सो अगर ये जो वैल्यू है, सो इफ वी डबल इक्वल टू जीरो और v डबल इक्वल टू वन, अगर ऐसी बात है तो वैसे ही रिटर्न ट्रू करते. ठीक है. अगर v की वैल्यू जीरो है या वन है तो हम कह देंगे कि भाई ये फिबोनाची नंबर है, ये फिबोनाची नंबर आ जाए और रिटर्न ट्रू करते. अगर ये जीरो या वन नहीं है, ठीक है, अज्यूमिंग की पॉजिटिव नंबर ही एंटर करता है, तो क्या करना चाहिए? अब हमें बेसिकली फिबोनाची नंबर्स कंप्यूट करने हैं. ओके. क्योंकि आम तौर पे जब आप लूप लगा रहे हैं तो फॉर लूप कब लगाया जाता है? जब आपको पता हो कि आप उसे कितनी जगह लगा. ठीक है. ये बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यू यूज आइदर व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप. ओके. When do you use while loop and when do you use do while? कब हम while loop use करते हैं, कब हम do while loop use करते हैं? दोनों use कर सकते हैं, लेकिन do while use करने की एक खास वजह होती है. क्या वजह होती है? जी मैं आप खेल रहे हैं. वर्ण नाम क्या? शहरयार. शहरयार और सरफराज खेल रहे हैं. ठीक है. अब अगर तुमने अपना गेम, अगर आपने अपना गेम का फ्लो बनाना है तो गेम के फ्लो में क्या होगा? लेट्स से मेरी बारी है पहले, तो आपका प्रोग्राम जो है वो मेरे से मेरी बारी लेगा. ठीक है. हम चेस खेल रहे हैं या हम टिक टैक टो खेल रहे हैं, तो कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो पहले वो मेरे से इनपुट लेगा ना? Yes. और फिर वो वैलिडेट करेगा उसने इनपुट ठीक दी है या नहीं. अगर मैंने इनपुट ठीक दी है तो क्या होगा?
फिर तो वो बोर्ड को अपडेट करना है, जो भी काम करना करेगा। लेकिन अगर मैंने इनवैलिड इनपुट दे दिए तो क्या होगा, तो वो दोबारा इनपुट देगा। दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल। यू टेक इनपुट, यू चेक इफ इट इज एन इनवैलिड इनपुट, यू टेक द इनपुट अगेन। ये बात समझ? दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल। ओके, ये बात समझ आई? ठीक है, while loop में क्या होता है, first you check the condition and then you do some work and if the condition is still satisfied you repeat the process. Everybody understand? Okay, so इस केस में सो हम एक काम करते हैं, हम ना दो वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमने ना फिबोनाची नंबर कंप्यूट करना है। तो फिबोनाची नंबर कंप्यूट करने के लिए हमें बेसिकली कुछ इस तरह की चीज करनी है। तो लग एट दिस, हमने कुछ इस तरह की चीज करनी है कि मैं ये करना चाहता हूं। सो इज फिबोनाची और इसको एक वी वैल्यू पास हुई है, ठीक है। मैं इसकी वो प्रोटोटाइप वगैरह नहीं लिख रहा, वो आप थोड़ा सा सूडो कोड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहां पर हमने चेक लगा लिया हुआ है और अब हम एक काम करते हैं, मैं यहां पे एक इंटीजर प्रीवियस रखता हूं। प्रीवियस में मैं जीरो रख देता हूं क्योंकि पहला फिबोनाची नंबर जीरो है, और एक मैं रखता हूं सी, सी स्टैंड फॉर करंट जिसकी वैल्यू है वन, ठीक है। और एक है एन, एन स्टैंड फॉर नेक्स्ट, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट कंप्यूट करूंगा फिबोनाची नंबर, ठीक है। एंड हेयर इज व्हाट आई डू, आई डोंट नो कि मैंने ये काम कब तक करना है। मैं जानबूझ के किया था, अच्छा चलें वाइट कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। हम पहले वाइट देखते हैं, अगर वाइट सही नहीं हुआ तो फिर येलो कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाइल लूप, हाँ जी, मुझे नहीं पता यहां कंडीशन क्या आनी है, वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ये करता हूं कि मैं फिबोनाची नंबर नीचे से कंप्यूट करना शुरू करता हूं। So, can you tell me what will be the next Fibonacci number? How you will compute? ये अभी तक मैंने zeroth Fibonacci number और first Fibonacci number निकाला हुआ है। How you will compute the second Fibonacci number? The sum of the previous two, which is b plus plus c. ठीक हो गया? ठीक है? So basically क्या हुआ है अभी तक, ये गौर से देखें। ये मैं डब्बे बना रहा हूँ। ये मैंने तीन डब्बे बनाए, ये तीन डब्बे क्यों बनाए भाई? एक है P का डब्बा, इसमें क्या पड़ा हुआ है? फिलहाल इसमें जीरो पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? वन पड़ा हुआ है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है C और ये है N, ठीक है। सो फार सो गुड, एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, क्या करूंगा मैं, मैंने जब N और ये N है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, जब मैंने कहा n इज इक्वल टू p प्लस c तो क्या होगा, इसमें बेसिकली इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेगा ये, तो क्या आंसर आएगा? वन आंसर आएगा, ठीक है, सही है। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट फिबोनाची नंबर कंप्यूट करना चाहिए। अगर ये लूप अभी चल जाए दोबारा से तो फिर तो मसला हो जाएगा। क्यों मसला हो जाएगा? वो दोबारा वही वन वन वैल्यू ही कंप्यूट करता जाएगा। व्हाट डू वी वांट टू डू, we want to now shift कि मेरा अब जो previous है, तो देखो पहले zero Fibonacci number ये था, one Fibonacci number ये था, two मैंने compute किया, अगली दफा मैंने third compute करना, तो third compute करने के लिए previous में क्या होना चाहिए और current में क्या होना चाहिए? previous में first Fibonacci number होना चाहिए और current में क्या होना चाहिए? second Fibonacci number होना चाहिए, और फिर next में हम क्या compute करेंगे? हम थर्ड फिबोनाची नंबर कंप्यूट करेंगे। सो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेटमेंट यहां पे लिखनी चाहिए बताएं जी, यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखनी चाहिए जी? P इज इक्वल टू C और C इज इक्वल टू N, डज इट मेक सेंस? किसी को ये समझ में नहीं आई बात तो अभी बता दे, क्योंकि इसकी रिपरकशंस काफी खराब है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो एवरीबडी इज विद मी, ओके? नाउ
सवाल सिर्फ ये है कि ये काम हमने कब तक करना है। जब तक हमें ये नंबर नहीं मिलता, यानी वी नंबर नहीं मिलता, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं यहां पे लिख दूं, जब तक एन मेरा नॉट इक्वल टू है किसके, वी के, राइट? दिस इज ए रॉन्ग आंसर। Why this is incorrect? आपने आपका नाम क्या? हाँ जी सब नहीं होना नहीं ना नहीं था हाँ जी बताइए जी सर बताइए ये बात क्यों गलत है? Let's say कि मैंने V का डब्बा भी यहाँ बना देते हैं। ये V का मैंने डब्बा बना दिया। बाय द वे फिबोनाची नंबर्स की मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। पहला नंबर जीरो होता है, फिर वन होता है, फिर वन होता है, फिर टू होता है, फिर थ्री होता है, फिर फाइव होता है, एट होता है, थर्टीन होता है, और फिर 21 होता है। ठीक है, लेट्स से V में वैल्यू आई है 20, या लेट्स से कहते हैं 9। मुझे बताए 9 फिबोनाची नंबर है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शख्स के अंदर क्या चल रहा है जानने की कोशिश करे। ठीक है, और अगर आपको पता है, आपको पता है पूरी क्लास साथ में नहीं है, यू ट्राई टू पॉज योरसेल्फ अंटिल आस्क्ड। इस तरह करने से आप बड़ा गलत काम करते हैं। आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें बेचारे मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ बेचारे अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो दे शुड बी गिवन एटलीस्ट सम टाइम टू एब्जॉर्ब, ओके, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें जो आपसे कहा गया। ठीक है, ऑलराइट, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बगैर भी क्लास नहीं चलती, ठीक है, लेकिन पॉज फॉर ए मिनट। ठीक है, चार हाँ जी। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं कहता हूँ 9 के बारे में मैंने जान लिया कि वो अच्छी नंबर है, ये लूप खत्म होगा? ये बेटा बताया बेटा, ये लूप खत्म नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ जी, ये लूप खत्म नहीं होगा। वाई, फिर जो कंडीशन लिखी है हमने उसमें जो एन है, उसमें ये जो एन है वो कभी भी 9 नहीं होना, 9 वैल्यू उसमें कभी भी नहीं आनी, तो दिस लूप विल नेवर एंड। Does it make sense? So my question is how to fix it. But आप बताएं। हाँ जी आप बताएं। खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या बेटा? अक्सा। हाँ जी जोर से बताएं। How can we fix it? नहीं जी for loop का ताल्लुक नहीं है सर। फिर condition change करनी है बस। तो ताल्लुक नहीं है for loop से। Loop से भी for loop से भी हो सकता है लेकिन सिर्फ condition change करनी है। Condition क्या होगा? क्या कंडीशन हो तो हमें बेसिकली लूप को टर्मिनेट कर देना चाहिए। हाँ जी बताएं। एन इज लेस देन वी, जब तक एन लेस देन वी है इस लूप को चलते रहना चाहिए। और ये लूप अगर मैं n इज लेस देन v कर दूं, अगर मैं यहां पर ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसको मैं हटाकर ये बड़ा मसला है, अगर मैं n इज लेस देन v यहां पर लिख देता हूं तो इसकी क्या रिपरकशंस है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज When this loop terminates, आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? हाँ जी, आपका नाम क्या? उमर, बताएं जी। What is the repercussion of this change?
सर रवि सर हाँ जी तब तक लूप चलता रहेगा, बड़ा होने पे भी वो टर्मिनेट हो जाएगा और इक्वल होने पे भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये बात समझ में। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, ओके। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग, अब हम लूप में यहां आ चुके हुए, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो m की वैल्यू v के बराबर होगी या m की वैल्यू v से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, ये बात समझ। अगर n की वैल्यू v के बराबर है तो इस फंक्शन को क्या रिटर्न करना चाहिए, बेटा रिटर्न क्या करना चाहिए, तो बताना था ना कि वहां पर अच्छी नंबर है कि नहीं, ठीक है। सो अगर सो लुक एट दिस जी, इसकी मैं रिटर्न टाइप लिख रहा हूं बूल, ठीक है। और अगर सो लुक एट दिस, मैं अभी एक लाइन लिखूंगा, तो एक तरीके का यह लिखा जाए कि क्या क्या इस n की वैल्यू v के बराबर है, अगर n की वैल्यू v के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दे, उसके एल्स में क्या रिटर्न करना, उसके एल्स में रिटर्न फॉल्स है, बट मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा लुक एट दिस रिटर्न n डबल इक्वल टू v, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। व्हाट डज दिस मीन, महत क्या, मैंने लिखा है n डबल इक्वल टू v, n डबल इक्वल टू v इज ए बूलियन स्टेटमेंट, यहां पर तो हम इफ में लगाते है ना, लेकिन दिस इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन, ओके। बूलियन एक्सप्रेशन आइदर एवेल्युएट्स टू ट्रू और एवेल्युएट्स टू फॉल्स, ये बात सुन रही। So, अगर v की वैल्यू n के बराबर होगी तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। और अगर v की वैल्यू n के बराबर नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो बाय वन स्टेटमेंट आई हैव एक्चुअली अकम्प्लिश्ड माय टास्क, एवरीबॉडी इज विद मी, ओके, सो फार सो गुड, ठीक है। लेट्स कोड इट नाउ, किसी को तो इसमें मसला है तो बता सकता है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं यार दरमियान में आता हूं तो फिर खराब है, हाँ डेस्क आ रहा है यार, डेस्क को करना पड़ेगा थोड़ा मेरे दादा में ये हिल ना जाए, आ जाए ना आ जाए, पता नहीं मुझे नहीं पता क्या कैसे लिखा है ना, हमें इससे भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे कर लेते हैं आप, सही है, इज इट बेटर, Is it better now? ठीक है, Should I code it now? Okay? So let me code in front of you. Okay? So ये condition तो मैंने लिखी हुई है और अब मैं लिखता हूं जाके p की value 0 है, c की value 1 है और n की वैल्यू क्या है, हा? नहीं अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहां पे हम while लूप लगाएंगे और while लूप में जाके क्या करेंगे, n इज इक्वल टू p प्लस c कंप्यूट करेंगे, p इज इक्वल टू c करेंगे, c इज इक्वल टू n करेंगे, ठीक है। और यहां पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे, n इज लेस देन क्या v, ठीक है। और यहां पे क्या कंडीशन होगी, रिटर्न क्या, n डबल इक्वल टू v, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है। लेट्स ट्राई टू चेक कि हमें क्या आउटपुट आती है, मैंने v नंबर यूज से इनपुट करवाया,
ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं एफ इज फिबोनाची, और यहां पे पास कर देते हैं वी को, सी आउट एन इज फिबोनाची नंबर, क्या हुआ, सॉरी वी आएगा, ठीक है, और else में क्या कर देंगे, see out v is not Fibonacci number, ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी कंट्रोल F5 चेक करते हैं, एरर है, ये देख लीजिए क्या कह रहा है, पहले तो ये पढ़े हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यार तो दोबारा आते हो, ये इसको ठीक करवा यार प्लीज, वो लेके आओ, ये क्या होता है रिमोट वगैरह से लेके तो सेटिंग आनी चाहिए, नहीं आ रहा था ठीक, पहले भी ठीक नहीं आ रहा, ये कुछ तो लेवल को बुलाया फिर उनको, देखिए देखिए चलो अच्छा प्लीज मैं ये ना पढ़ देता हूँ, ये लिखा हुआ है अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल एन यूज्ड, और ये किस लाइन पे एरर दे रहा है, इस लाइन पे एरर दे रहा है, हाँ जी कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो आप जो पुरानी सी प्लस प्लस है उसमें ना अनइनिशियलाइज अगर कोई वेरिएबल होता था ना उसको गार्बेज वैल्यू होती थी, उसको आप कुछ यूज करेंगे वो यूज कर देगा रीडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, लेकिन जो नई सी प्लस प्लस है उसमें ये दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर, यू शुड ट्राई टू एक्सेस ए गार्बेज वैल्यू, ओके, और आप यहां पर बेसिकली अभी एन में गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विच इज एन एरर, ओके, ये बात समझ आई, सो हाउ टू फिक्स इट, एंड द फिक्स इज वेरी सिंपल, इसको आप जीरो से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है, ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ, सो द नंबर इज लेट्स से मैं कहता हूं 10 के बारे में क्या आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ना स्लो वो दिखा रहा है, आप सही है, ठीक है, So, मैं 10 कहता हूं, तो कहता है 10 इज नॉट ए फिबोनाची नंबर, एम आई डन, क्या मुझे टेस्टिंग मैंने खत्म कर ली, क्या मैंने अपने प्रोग्राम की कंप्लीट टेस्टिंग कर ली, नहीं, क्या टेस्टिंग करना बाकी है, ऐसा हमने देखो अभी एक ऐसे भी टेस्ट किया जो कि फिबोनाची नंबर नहीं है, हमें इस पर भी टेस्ट करना चाहिए जो फिबोनाची नंबर है, ओके, तो लेट्स डू दैट एज वेल, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम एक और दफा चलाते हैं इसको और चेक करते हैं 8 के ऊपर, 8 इज ए फिबोनाची नंबर, 8 इज ए फिबोनाची नंबर, डज इट मेक सेंस, ठीक है जी, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो फार, ओके, समझ आ रही बात, चलिए All right. ये काम मैंने जो प्रोग्राम लिखा है
अरे क्या है तुम्हारा ये लैपटॉप? अच्छा इसी प्रोग्राम को ना मैं एक और तरीके से भी लिखता हूं, वो किसी ने कहा था अभी, यही प्रोग्राम मैं यूजिंग फॉर लूप लिखना चाहता हूं। कैसे लिखूंगा? यही प्रोग्राम मैं फॉर लूप के थ्रू लिखना चाहता हूं। कैन एनीबडी टेल मी हाउ? अच्छा अगर फॉर लूप हम कब लगाते हैं, हमें एग्जैक्ट पता हो, ठीक है, या हमें अगर एग्जैक्ट कंडीशन पता है, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है, और इट इज और उसमें कुछ चेंज प्रोसेस हो रहे हैं। चेंज प्रोसेस क्या मतलब? तो बेसिकली लूप की हम फॉर लूप को देखें तो फॉर लूप में तीन चीजें होती है, होती है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और कुछ चेंज होना चाहिए। रिफ्लेक्शन इस प्रोग्राम को वॉच देखें, इसमें लूप से पहले तीन वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं। तो फॉर लूप की पहली कंडीशन तो वेट सेटिस्फाई होती है, क्या कई इनिशियलाइजेशन हो रही है, तीन वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो रही है, इसको हम फॉर लूप की पहली लाइन पर लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन कंडीशन भी लगी हुई है, n इज लेस देन v, तो ये भी लगा सकते हैं। एक काम और हो रहा है, वो क्या होता है? चेंजेस, है ना, चेंजेस हो रही है। जो चेंज वाली कंडीशन होती है ना लूप में, वो अननेसेसरी होती है, यानी बेसिकली अनसेसरी के लिए ऑप्शनल होती है। अगर आप उसे पानी छोड़ दें तो दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है, ये बात समझ में आई बाकी, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसी को हम लूप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, विच मे नॉट बी ए गुड आइडिया बट लेट आई वॉन्ट टू डू इट वंस। ये हमने फॉर लूप यूज किया, ये इसकी कंडीशन की इनिशियलाइजेशन हो गई, और कंडीशन में मैंने जाके लिखा n इज लेस देन v, ठीक है, और ये मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन अब छोटा सा मसला है, वो क्या मसला? अब ये इस लाइन पे एरर दे रहा है, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? नहीं डालना उस लाइन पे ना, सर रेड मार्कर दे दिया, मैं माउस को ले जाता हूं उसके ऊपर। वो कह रहा है आइडेंटिफायर n इज अनडिफाइंड, क्या मतलब उसका? डिक्लेयर नहीं आ सकते तो किया हुआ है, हमने लूप पे डिक्लेयर किया है तो लूप के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, वैसे लूप खत्म होगा बट डिस्ट्रॉय होगा, मेक सेंस? तो हम एक काम करते हैं, ये जो int n है इसको हम उठा के बाहर ले जाते हैं, क्योंकि हमने इसको लूप के बाद यूज करना है। तो ये वाला जो काम है इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, और जो n है वो हम यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं जीरो से इनिशियलाइज करके, ठीक है। नाउ दैट प्रॉब्लम इज गॉन, ठीक है। तो हमने यही प्रोग्राम आपका क्या किससे शुरू कर लिया, लूप से शुरू कर दिया। अगर आप एक और काम करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो काम ये है, ये चेंजेस हो रही है, है ना, आप इन चेंजेस को कहां पर लिख सकते हैं? कंडीशन के बाद, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, कैसे? n इज इक्वल टू p प्लस c कॉमा, कॉमा का मतलब है बिल्कुल, कॉमा का मतलब है आप कॉमा क्या कहलाते हैं, सब स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये भी चले और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, p इज इक्वल टू c, तो p इज इक्वल टू c कॉमा, तीसरी स्टेटमेंट क्या है, c इज इक्वल टू n, और ये देखिए जी, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ये लूप मेरा खत्म हो गया, अब मैं लूप में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये समझ में आ रही है बात?
ठीक है। तो ये पार्ट इनिशियलाइजेशन का है, ये पार्ट कंडीशन का है, और हर दफा जब लूप चल के दोबारा आता है तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। ओके, जो बेसिकली ये तीन सब स्टेटमेंट्स हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आप चाहें तो यहां पर मल्टीपल चेंजेस लिख सकते हैं। इस वेरिएबल में इतनी चेंज है, इस वेरिएबल में इतनी चेंज है, इस वेरिएबल में इतनी चेंज है। ये बात समझ? ठीक है, तो इट्स बेसिकली आप वही प्रोग्राम जो आपने बायलूप से लिखा था, ये आप फॉर लूप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स आपने पहले नहीं देखा होगा, कोई देखा नहीं देखा। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, इट्स अ वेरी अगली वे ऑफ राइटिंग द कोड। ओके, आई डोंट रिकमेंड दैट, बट आई वांट टू शो यू वंस कि आप इस तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां पर आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं लेकिन वो एक ही टाइप के होने चाहिए। यहां पर आप मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं लेकिन वो फिर कनेक्ट होने चाहिए यूजिंग ऑर्स या एंड्स। ओके, यहां पर आप मल्टीपल चेंजेस बता सकते हैं बाय कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अगर कोई रोशन करती तो मसला हो रहा हो तो फॉर्म बता दे, एटलीस्ट वी कैन ओपन द डोर। एवरीथिंग इज फाइन, सांस प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं आपके सामने इसको बिल्ड भी कर देता हूं जस्ट टू चेक कि प्रोग्राम बिल्ड कंप्लीट हो गया। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा, तो बिल्ड सक्सीड आ गया, सो देयर इज नो सिंटैक्स एरर। आपका सीएफटी में क्या ग्रेड आएगा, एक्सपेक्टेड ग्रेड वापस आप। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि एक फंक्शन लिखें जिसका नाम हो बूल इज प्राइम, इसको भी एक वी पास हो रहा है और इस वी के बारे में इसने बताना है कि ये नंबर प्राइम है ये नहीं है। ठीक है, पहला टेस्ट तो बड़ा आसान होना चाहिए था कि इफ वी इज लेस देन टू रिटर्न फॉल्स। ओके, इफ योर नंबर इज लेस देन टू इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम कहते हैं एक फॉर लूप लगाते हैं इंटीजर, डी स्टैंड फॉर डिवाइजर, क्योंकि हमने डिवीजन चेक करनी है टू से। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू टू से हम शुरू करते हैं, वन से शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं शुरू करेंगे? वन से तो वन सबको डिवाइड करता ही करता है। ओके, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वन। ठीक है, सो सवाल यह है कि ये कहां तक हमने जाना है, और यहां पे हम डी प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, और हमने चेक क्या करना है कि अगर v मॉड d निकालें और वो डबल इक्वल टू जीरो आ जाए तो यहां पे वो रिटर्न फॉल्स कर दे ट्रू, फिर वो ट्रू कर दिया। भाई ये v वैल्यू
जो है वो डी से डिवाइड हो गई है। अगर कोई नंबर डी से डिवाइड हो जाता है, टू से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। अगर वो टू से डिवाइड नहीं होता तो क्या वो प्राइम है? अगर टू से डिवाइड नहीं होता तो क्या वो प्राइम? तो ये देखो ना, लूप चल रहा है। पहली दफा डी इज इक्वल टू वैल्यू टू है तो वो टू पे चेक करेगा, ऐसी है ना। अगर वो टू से डिवाइड करता है और वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दे। मेरा सवाल ये है कि अगर वो टू से डिवाइड नहीं होता तो क्या वो प्राइम है? नहीं ना। तो मुझे इस बात का जवाब दें कि आपने जब यहां लिखा हुआ है एल्स रिटर्न ट्रू, तो ये कितनी फजूल बात है। कितने लोगों ने ये कोड लिखा? रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड। मैंने आधी से ज्यादा क्लास की चक्की है, सब ने ये लिखा हो। रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड प्लीज। खड़े हो सकता है जिन्होंने ये कोड लिखा था, वो खड़े हो जाएगा। जिन्होंने ये कोड लिखा था वो खड़े हो जाए, कुछ नहीं होता, ठीक है, दैट इज फाइन। जिन्होंने ये कोड लिखा था वो खड़े हो जाए, मैं नाम लिख बुला शुरू कर दूंगा। बाकी ने ये कोड नहीं लिखा। आज बैठे आप लोगों को सुन रही है, मैं कुछ गलत करूं। आमतौर पर हम प्रोग्राम, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना भी नहीं आता। बात गौर से, रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? पहले तो नहीं होता। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? रिटर्न स्टेटमेंट, अगर फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होता है? तो की हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होता है मुझे बताएं। जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूं, ये वाली, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, इसका मतलब क्या है? ये लूप चल रहा था, लेट्स से लूप की वैल्यू टू, इस पर डी की वैल्यू टू थी, उसके लिए पूछा रहा था। आप अगर लाइन नंबर 41 पे है और कोई नंबर उसे मिला वो टू से डिवाइड हो गया, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या डी इज इक्वल टू थ्री के लिए लूप चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एक्चुअली उसी वक्त ही वो फंक्शन लूप से बाहर निकल जाएगा, लूप से भी और उस फंक्शन से भी बाहर चल जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? क्यों कह रहा हूं तुम्हें? आप ये नहीं हो सकते, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब यह है कि फंक्शन से निकलो बाहर, लूप में हो चाहे जो मर्जी एग्जीक्यूशन हो रही है तुम्हारी, इस वक्त अब आप इस फंक्शन में रहने के काबिल नहीं है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूं, यदि d इक्वल टू के लिए लूप चल रहा होगा, अगर रिटर्न स्टेटमेंट चल रही है तो फिर वो वहां से निकल जाएगा। और अगर अगर आपने यहां पे else return false लिख दिया है, return true लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर d, अगर कोई नंबर d जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो ये if एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो यहां आएगा और यहीं से ही वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है उसने ना 3 के लिए चेक किया, ना 4 के लिए चेक किया, ना 5 के लिए चेक किया, ना 6 के लिए। तो अगर कोई नंबर मैं लेता हूं जैसे 25, तो 25 को वो कह देगा प्राइम है, हालांकि वो 5 से डिवाइड होता है। जो भी नंबर दे दूं 9 3 से डिवाइड होता है, लेकिन वो कह देगा कि वो प्राइम है, तो आपने उसी के अर्थ में लिख दिया। तो एक बात और से सुने, ये बड़ी जरूरी, ये पहला कंस्ट्रक्ट है लूप के अंदर जो आपको समझना होता है, और वो ये है कि कौन सा काम मैं लूप में कर सकता हूं, कौन सा डिसीजन मैं लूप के अंदर कर सकता हूं और कौन सा डिसीजन मैं लूप के अंदर नहीं कर सकता। ये सबसे जरूरी चीज होती है समझने के लिए एक लूप के अंदर,
कि क्या काम मैं लूप के अंदर डिसाइड कर सकता हूं और क्या काम मैं लूप के अंदर डिसाइड नहीं कर सकता। तो लुक एट दिस, इस इन दोनों के अंदर अगर देखें तो अगर वो डिवाइड होता है तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि वो प्राइम नंबर नहीं, लेकिन अगर वो पहले दफा वो चल रहा है और वो डिवाइड नहीं हुआ तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? क्यों? क्योंकि सबसे पहले टू से डिवीजन चेक किया, अभी से थ्री से डिवीजन चेक करना बाकी है, फोर से डिवीजन चेक करना बाकी है, फाइव से डिवीजन चेक करना बाकी है, अभी तो बहुत सारी डिवीजन रहती है। तो ये else part, ये जो else part है ये loop के अंदर हरगिज नहीं आएगा। Okay? Let me show you in front of you के कैसे ये execution चल रही होती है। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो लेट से मैंने एक नंबर इनपुट किया और मैंने यहां पे लिख दिया जी इज प्राइम, ठीक है, और इज प्राइम के बारे में हमने चेक करना है, और यहां पे अगर वो ट्रू रिटर्न कर देता है तो मैं कहता हूं इज प्राइम नंबर और इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। सो फार सो गुड, तो लेट्स ट्राई टू चेक दिस प्रोग्राम कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा, ओके, और आपने भी ऐसे ही करना है। सो लुक एट दिस, स्टेप बाय स्टेप चलाने का तरीका क्या होता है, आप F10 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? किया आपने F10 प्रेस? अरे सो लेट मी प्रेस F10, फंक्शन F10, ठीक है। ये बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद पहली पहली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। एक मिनट, मैं ये ना इसी कंसोल जो है उसका फॉन्ट बड़ा कर दूं। हेलो हेलो, चले जी स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। पर तेरी ये वॉचेस क्यों नहीं आ रही? फुल स्क्रीन की वियसली? अच्छा फुल स्क्रीन की। अच्छा ये ना जब इसको आप चलाएंगे ना तो ये मैंने पहले फुल स्क्रीन मोड में किया होगा, ये कोई नजर नहीं आ रहा। फुल स्क्रीन मोड होता है कंट्रोल ऑल्ट Alt Shift Enter, Alt Shift Enter दबाना तो ये फुल स्क्रीन हो जाती है। सॉरी ये ना फुल स्क्रीन हो जाती है, और अगर आप मैं Alt Shift Enter दोबारा दबाऊंगा तो ये स्क्रीन खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ आपको चीज आ रही है वॉचिंग, यहाँ देखी कभी नहीं देखी? अच्छा ये होती है बेसिकली आपकी स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। क्या होती है स्टेट का मतलब? क्या हालत है ना आपके प्रोग्राम की? हालत का मतलब क्या है? आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इसमें इसकी हालत क्या है? सिर्फ तो एक वेरिएबल है और उसका नाम है वी। और कैन यू टेल मी उस वी में क्या होना चाहिए? आप बता दो, गार्बेज वैल्यू होनी चाहिए। एंड यू कैन एक्चुअली सी कि इसमें गार्बेज वैल्यू आ रही है, -8, 5 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको नजर नहीं आ रहा, किसी को भी नजर नहीं आ रहा, डोंट वरी अबाउट। ये यहां पर जैसे कि ये गार्बेज वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूं। अब अगर मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। कौन सी लाइन? इस पे ये एरो है। ये कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 54, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 54 है, मैं वो एग्जीक्यूट करने लगा। और अभी तक आपके कंसोल पर कोई आउटपुट होनी चाहिए? कंसोल पर कोई आउटपुट होनी चाहिए? नहीं। और देखिए कोई कुछ भी आउटपुट नहीं है। और अब मैं देखें आपके सामने F10 प्रेस करता हूं, ये देखें ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के रिपरकशन में क्या होना चाहिए? नंबर पे नजर आती है। हाँ, ये जो नंबर वाली स्ट्रिंग है ये कंसोल पर आउटपुट हो जानी चाहिए। और ये देखें मैं ऑल्ट टैब प्रेस करता हूं, ऑल्ट टैब ये मुझे लिस्ट दिखा रहा है, मैंने ऑल्ट अभी रिलीज नहीं किया। तो ये देखे जी मैं अब इसको रिलीज करता हूं तो ये मुझे दिखा रहा है, लिखा रहा है कुछ नंबर। वो लाइन एग्जीक्यूट हुई है, उस लाइन एग्जीक्यूट होने के नतीजे में जो कंसोल पर दिखना चाहिए वो दिख रहा है, ठीक है। अभी ये यहां पर ब्लिंक कर रहा है लेकिन ये इनपुट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अभी तक 55 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ओके। अब मैं जब F10 प्रेस करूंगा तो यहां से ये जो एरो नजर आ रहा है ना तो ये गायब हो गया,
और ये आपको कंसोल स्क्रीन पर ठीक है बेटा जरा वो फंक्शन की प्रेस करके F10 प्रेस कर F10 हाँ F10 बेटा फंक्शन की प्रेस कर रखें ये फंक्शन की और वो F10 ये देख लीजिए यहां से गायब हुआ और वो सिर्फ सोर्स स्क्रीन पर ले गया ठीक है अब जाके आप अब वैसे बेसिकली क्या कह रहा है वो लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है यहां पर बेसिकली आप एक नंबर इनपुट कर क्या नंबर इनपुट करें बताओ नाम क्या होगा महत महत क्या नंबर इनपुट करें 9 कर लीजिए एंटर नंबर ये देखें आपको v में कोई वैल्यू मिल रही तो ये दिस इज कॉल्ड डीबगिंग आप बेसिकली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और आपके स्टेट के अंदर क्या चेंजेस आ रही है वो आप देख रहे हैं ठीक है अच्छा जी आप देखा क्या करने लगे सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक बेसिकली क्या क्या चल रहा है ठीक है अब हम बेसिकली इस फंक्शन के अंदर जाना चाहते हैं ये फंक्शन मेरा कैसे एग्जीक्यूशन कर रहा है ठीक है तब हम कैसे करेंगे F10 प्रेस करने से क्या होता है कि बेसिकली ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है ठीक है आपने देखा अभी कि आप बोले लाइन एग्जीक्यूट कर दिया है ना F10 प्रेस करने से क्या होता है वो लाइन एग्जीक्यूट करता है ठीक है अगर आपका कोई लाइन है जिस पे फंक्शन कॉल हो रहा और आप चाहते हैं कि वो फंक्शन के अंदर जाए ठीक है तो उसके लिए कोई और की प्रेस करनी पड़ती है उसे कहते हैं स्टेप इनटू और उसके लिए की प्रेस करनी पड़ती है लेकिन अब अभी अगर मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये पूरी लाइन इकट्ठी एग्जीक्यूट करती है इसका मतलब है आपका जो इस प्राइम फंक्शन है वो गलत लिखा हुआ क्यों क्योंकि इसको एल्स में जाना चाहिए था इसको और इसको ऊपर ड्रैग करके ऊपर ऊपर लाइन नंबर 57 पे ले जाओ और लाइन नंबर 57 पे ले जाओ माउस से पकड़ो सही उस एरो को तो पकड़ो ये पकड़ लिया सर पकड़ रखो सर ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ हाथ धो दिया पकड़ा नहीं जा नहीं पकड़ा जा चलो ये देखो जी ये मैंने से पकड़ा और ये पकड़ के मैं ऊपर ले गया हूं ये देखो पता नहीं क्या कर रहे हो तुम अच्छा इसका मतलब इसके लिए क्या है मैं लाइन नंबर 57 दोबारा से एग्जीक्यूट करूं ठीक है लुक एट द पावर ऑफ द डिबगिंग क्या आप अपने प्रोग्राम में आगे भी बुक कर सकते हैं ये लाइन आप दोबारा से एग्जीक्यूट करो ठीक है चले जी अब मैं इस प्राइम के अंदर जाना चाहता हूं तो मैं F10 प्रेस नहीं करूंगा मैं F11 प्रेस करूंगा ठीक है फंक्शन की F11 नया ये रहेगा इस लाइन के अंदर आपका पहला काम यह होना चाहिए जब फंक्शन के अंदर देखें आपका जो फंक्शन है इसके अंदर जब आप आए हैं तो फंक्शन के पैरामीटर में वो ही वैल्यू आई है जो आपने भेजी थी आपने क्या वैल्यू भेजी देखिए v के अंदर वही वैल्यू आई अच्छा अब इस जब आप इस मॉड्यूल में होंगे इस फंक्शन में होंगे तो आपको सिर्फ इस मॉड्यूल की स्टेट नजर आएगी यहां पर
और कोई स्टेट नजर नहीं आएगी। क्या है, कहां देख रहे हो, कहां देख रहे हो, क्या काम है, ये तो लिखा है। आप जब किसी मॉड्यूल में होंगे तो आपको उसी मॉड्यूल की स्टेट नजर आएगी, ठीक है। यानी अगर इस V का नाम में T रख देगा तो यहां पे T नजर आ रहा था, मेन वाला V नजर ना आता। This happens to be with the same name as main, लेकिन ये main वाला V नहीं है, ये इस function का V है। ये बात समझ? जिस module में आप होते हैं, उस module की state आपको यहाँ watch में नजर आ रही होगी, ये local लिखा हुआ है ना, नजर आ रही होगी, ठीक है? अच्छा जी, अब हम F10 press करते हैं, दोबारा से function की F10, ये line execute होगी, क्या V less than 2 है? नहीं है, है ना, तो F10 प्रेस करें, इसको इस पे नहीं जाना चाहिए, लाइन नंबर 37 पे आ जाना चाहिए, ये लाइन 37 पे आ गई, 35 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हुई इफ कंडीशन फॉल्स, ठीक है, क्या चीज लिखी मान जी। अब हम लाइन नंबर 37 पे आ गए, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा इसको ना कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, ये क्या है, स्क्रोल है, ठीक है। चले जी, अब दोबारा से फंक्शन की प्रेस करें और F10 प्रेस करें, ये अब लूप के अंदर आ जाएगा, इसका माउस इधर करो। अब D की, अब देखिए इस वक्त स्टेट ऑफ द प्रोग्राम क्या है, उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, इस लाइन पे आ गए आप, दो वेरिएबल होने चाहिए, एक बी एक डी, एंड लुक एट दिस, यहां पर आपको अब डी भी नजर आ रहा है और D की वैल्यू 2 नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, आप ये नजर आ रहा है कि यहां पे वैल्यूज आ, दो वेरिएबल आ गए हैं, D और D, दो पोजीशंस बन गई, ये नजर आ रही है, ठीक है। चलिए जी, अब आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, V mod D डबल इक्वल टू 0, यही है ना। चलिए जी दिखाएं, ये इफ चलेगा या एल्स चलेगा, V की वैल्यू 9 है, इफ चलेगा या एल्स चलेगा, एल्स चलेगा, देखते चलता है, चलता है, एफएम प्रेस करो, ये एल्स में आया, और देखें अभी रिटर्न स्टेटमेंट चलने लगी है, लूप की अगली आइटरेशन नहीं चलेगी, एफएम प्रेस करें, ये फौरन ही कह रहा है भाई मैं निकल रहा हूं मुझे से बाहर, ये निकला मुझे से बाहर और निकाल दी, मुझे एफएम प्रेस कर दोबारा, जहां से कॉल हुआ था वहीं पर कॉल वापस गई, और यहां पर इसने बताया भी है कि इस प्राइम ने ट्रू रिटर्न कर दिया है, ये वो लिखा हुआ आ रहा है ये यहां पे स्टेट में बताता है जिस लाइन से पे वापस आता है वो कि भाई इस प्राइम ने ट्रू रिटर्न कर दिया, एंड नाउ यू नो द रीजन व्हाई इट डिड नॉट एग्जीक्यूट, व्हाई इट डिड नॉट एग्जीक्यूट, हमारे इस प्राइम का फ्लॉ क्या है कि हमने उस लूप के अंदर इसके साथ एल्स लगाया, हमें उस लूप के बाहर रिटर्न ट्रू करना है, ये बात समझ में आई बेटा, चेंज करें सुन, अब आप बेटा नाम क्या, आ जाओ। अच्छा मैं एक बात आप लोगों को बता दू, जब सबसे पहला काम आपने ये करना है लाइवा वो ना, तो मिडिल में आपको ना स्टॉप का बटन नजर आ रहा है, आ रहा है रेड कलर का, ये इसको जाकर स्टॉप कर दें, इसका मतलब है स्टॉप डिबगिंग, ये आपने जरूर कर दी, स्टॉप डिबगिंग का मतलब है कि जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रही थी वो आपने स्टॉप कर दी, ठीक है, उसे स्टॉप कर। अच्छा अब आप उस फंक्शन में जाएं, इस प्राइम में ऊपर जाओ, ये जो एल्स रिटर्न ट्रू लिखा है, अच्छा एक बार ऑल्ट शिफ्ट एंटर दबाओ, ऑल्ट शिफ्ट एंटर, ठीक है, अब कंट्रोल अप है, कंट्रोल अप है, एक दो और पूरा फंक्शन नजर आ गया, ठीक है। अच्छा आप ऐसा करेंगे, रिटर्न टू लिखा हुआ है, ये एज रिटर्न टू लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट करें, कैसे डिलीट करेंगे, रिटर्न टू को ये पूरी एल्स स्टेटमेंट रिमूव कर दें, क्यों माउस को यूज कर लिया, चलो ठीक है कर दो,
और ये फॉर लूप के बाहर जाके लिखें रिटर्न टू, क्योंकि अगर वो एक दफा भी डिवीजन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि दिस इज अ प्राइम, तो यानी लिखते रिटर्न टू। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ये बात समझ में। अब ऐसा करें, एक काम करें, दोबारा से डिबगिंग मोड में प्रोग्राम को चलाओ, एफ10 फंक्शन की एफ10, फंक्शन की एफ10। तुमने एफ5 प्रेस किया, एफ10 नहीं किया, दोबारा कैसे पहुंच गया, दोबारा मेरे ख्याल से कर दिया। ऑल्ट टैब करो, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, टैब टैब तुम्हारा लेफ्ट पे ही है, तुम्हारा यहाँ पे हाथ क्यों आ रहा है? ये वाला पोर्शन जो होता है ना तुम्हारे साथ का होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है वही साथ का होता है, तुम्हारे दोनों हाथ यहाँ से, ठीक है, और टैब, ठीक है। अब ये चीजें सिखानी पड़ेगी, चलो एक और बात सिखा देती हूँ। अच्छा, दोबारा से प्रेस करो फंक्शन की टैब पे, एक दफा फुल स्क्रीन ऑफ कर दो और शिफ्ट एंटर, ये पिछली एग्जीक्यूशन चल रही है। सो फंक्शन की F10, कोई बात नहीं, यहां मैं गया, मैंने F10 प्रेस किया और ये मैंने इनपुट किया वैल्यू, एंटर में मैंने 9 कर दिया, ठीक है, एंटर दबाया, एंड नाउ लुक एट दिस, मैं अगर F10 प्रेस करता हूं तो ये मुझे एल्स में लेके जाता है, लेकिन इफ आई वॉन्ट टू सी दी कंप्लीट एग्जीक्यूशन तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा और यहां पे जाके मैं F11 प्रेस करता हूं, ओहो, तो इसके अंदर आ गया F10, लुक एट दिस जी, V की वैल्यू ये है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छुपा देता हूं ताकि ये मुझे तंग ना करे, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, और मैं यहां आया, ये देखिए d is equal to 2 के लिए वो चलेगा, और अब क्योंकि if की कंडीशन फॉल्स है तो ये वापस आएगा और ये लूप दोबारा चलेगा, और अब देखिए d की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, ठीक है, ये क्या किया तुमने, इट्स अ डिसग्रेस टू द टीचर कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज शिट, देखिए आप d इज इक्वल टू 3 के लिए वो चल रहा है, ठीक है, और यहां पर आए तो देखिए आप क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो यहां से वो रिटर्न ट्रू कर देगा और फॉल्स कर देगा और यहां से वो बाहर आ जाएगा और यहां पे वो कहता है जी इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, नाउ लुक एट द फॉलोइंग, दोनों दिलाओ, सारा नंबर दिलाओ, प्लीज ये कोड लिखे फॉरन फॉरन, ये कोड लिखे फॉरन फॉरन अपने विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो के ऊपर ग्रेडिंग
तुम क्या करो जाओ जल्दी छोड़ दो तो वो कॉल कर